हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर वाइट ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2021 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने हाल ही में घोषित किया है कि एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कंडक्टेड द नीट यूजी 2021। सो we know about ki NEET UG is the national eligibility cum entrance test undergraduate 2021. jaisa ki hum jante hain, public notice are clarified yesterday 13 july 2021 ko hua hai. so subject is depending on the inviting the online application form of the national eligibility cum entrance test or NEET UG 2021. so guys, this is all about the NEET UG 2021. हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स है जो ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के लिए वैलिड होता है। एज पर द सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग हम देखें तो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में नीट यूजी हैज टू बी कंडक्टेड एज द कॉमन एंड यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस ऑन नीट यूजी। नीट यूजी 2021 इज कंडक्टेड ऑन द इन 13 लैंग्वेजेस। जैसा कि हम चाह रहे हैं कि नीट यूजी 2021 13 लैंग्वेजेस में पेपर्स बनेंगे, इंग्लिश, हिंदी, एसएमएस, बंगाली, गुजराती, कनाडा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट डाटा इज सबमिटेड फर्स्ट एंड द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द नीट यूजी 2021 हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू सेट्स फेजेस। सो दिस इज द फर्स्ट फेज। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट यूजी 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जा रही है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, सबमिट करने के लिए हमें दो फेजेस मिलेंगे। फर्स्ट फेज में इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड अप बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट और द डाउनलोडिंग ऑफ द स्कोर कार्ड ड्यूरिंग द पीरियड दैट वुड बी नोटिफाइड सेपरेटली थ्रू आउट द नीट पोर्टल इन ड्यू कोर्स। जैसा कि हम जानते हैं, अगर एग्जाम्स हो जाती है तो हमें फर्स्ट फीलिंग जो है एग्जाम्स में फेस करने के लिए रखना है। सेकंड फेज के पहले या रिजल्ट डिक्लेरेशन के पहले हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना है कि आप एज पर द सब्जेक्ट और एज पर द चॉइस और एज पर द फील्ड आप किस चीज में जाना चाह रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी यू डू अ सेकेंड फॉर्म और सेकेंड सेट ऑफ द क्लासेस। All candidates shall fill up each set of information of the application form at the respective time of availability. हर कैंडिडेट को ये याद रखना है कि एक respective time की availability के साथ या respective time duration के साथ अपना form time पर fill करें। In the absence of filling up of any of the set information, his or her candidature will be cancelled. अगर दोनों set में से एक set अगर कैंडिडेट फिल कर रहा है, फर्स्ट फेज एग्जाम के पहले वाला फिल कर रहा है और एग्जाम के बाद वाला फॉर्म फिल नहीं कर रहा है तो उसे एज अ कैंसल्ड कैंडिडेट माना जाएगा। द कॉलम टू बी फिल्ड अप इन ईच सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द फॉर्मेशन इन द बुलेटिन अपेंडिक्स इज द 17th फॉर द रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट। जैसा कि हम जानते हैं, कॉलम फिल्ड करना है हमें अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 17 के अकॉर्डिंग। तो हमें याद रखना है कि हम बुलेटिन 17 बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करें। नाउ वी टॉक अबाउट द नीट यूजी कंसिस्ट्स ऑफ अ वन क्वेश्चन पेपर। जैसा कि हम जानते हैं कि नीट यूजी 2021 और वैसे भी 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी इंक्लूड द बॉटनी एंड जूलॉजी बोथ। नाउ वी नो कि 13 जुलाई 2021 में 11:50 पे नोटिफिकेशन आया और हमें फॉर्म सबमिशन करने के लिए हमारा वेब पोर्टल ओपन हो चुका है। तो आप फटाफट 7 अगस्त 2021 के पहले अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने घर में भी बैठ के कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI पेमेंट, पेटीएम वैलेट, आप किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन अकाउंट से आप अपना नेट बैंकिंग यूज करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर हम करेक्शन की बात करें तो वेब पोर्टल आपको 8 से 12 अगस्त तक के लिए करेक्शन फॉर्म खोल के देगा। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, ये आपको 20 अगस्त को क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सिटी में आप एग्जाम दे पाएंगे। हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है 3 दिन पहले, एग्जाम के 3 दिन पहले। और डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं, 12 सितंबर 2021 संडे को है।
और 180 मिनट्स 3 आवर्स का पेपर रहेगा। ये सुबह दो, ये दिन में 2 बजे से 5 बजे तक पेपर रहेगा अकॉर्डिंग टू द IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। नाउ द सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ द नेटिव जी। हाँ, एस टू बी कैंडिडेट इन द एडमिट कार्ड शिफ्ट अलग अलग चेंज हो सकते हैं, हमें देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ OMR शीट और रिस्पॉन्सेज एंड आंसर के कैंडिडेट इज टू बी लेटर ऑन द वेबसाइट। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इज टू बी कैंडिडेट टू द कैंडिडेट ऑन द NTA वेबसाइट। और स्टूडेंट अपना रिजल्ट NTA वेबसाइट पर जाकर देख सकता है, ये भी डेट डिक्लेरेशन में है। कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर हम OBC की बात करें तो OBC में 2 कैटेगरी है, एक क्रीमी लायर एक नॉन क्रीमी लायर। बिकॉज क्रीमी लायर आर देयर बिकॉज दे हैव इंक्लूडेड इन द टैक्सेस फ्री, और क्रीमी लायर में टैक्सेस देने वाले और नॉन क्रीमी लायर में टैक्सेस फ्री जो हैं वो भर सकते हैं फॉर्म। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और कुछ नेट यूजी की इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट लाइन्स दी हुई है लाइक 0111-4075-9000, और ये वेबसाइट ईमेल पे भी आप बता सकते हैं। और गाइस, हमें ये याद रखना है कि जो हमारा जूलॉजी और बॉटनी वाला पोर्शन है ये अराउंड हमारे 45 क्वेश्चंस रहेंगे। ये भी याद रखना हमें ऑन ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के दिए होंगे आपको, और ऑन रॉन्ग 1 क्वेश्चन यू -1। तो हमें याद रखना कि सिंपल सी बात है, अगर हम एक क्वेश्चन गलत करें तो हमारे 5 मार्क्स हमारे जो करेक्ट आंसर उसमें से चले जाएंगे। इसलिए आप बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से एग्जाम दें और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करें, पेशेंस रख के आंसर फिलअप करें। सो दिस इज अगेन द पेन पेपर पेंसिल, पेन पेपर हो रहा है, आपको पेन खुद सेंटर से मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, और आप इंस्ट्रक्शन या स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करें तो आप बहुत अच्छे से उसे केयरफुली पढ़ें और अपने पेपर को बहुत अच्छे से करके लाएं। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी सिलेक्ट हो फॉर मेडिकल कॉलेज और बिकमिंग अ डॉक्टर। सो गाइज, दिस इज द इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू एंड दी अदर पीपल। सो अगर आप किसी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, लाइक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज अवर पावर। धन्यवाद।